अलग जब ब्लॉग्स में कल हम लोग थोड़ी सी खुशबू की तबीयत खराब थी इसीलिए ना हम लोग ने ब्लॉग शूट नहीं किया और आज सुबह भी हम लोग ने नहीं शूट किया था और कल हम लोग शूट किए थे हमको अच्छा फील नहीं हो रहा था हमको बहुत ज्यादा सर्दी हो गया था तो इसलिए हम लोग को मन नहीं कर रहा था इसीलिए हम लोग आज रात को शूट कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैंने मेकअप किया है तो करना चाहिए अच्छा लगता है जब थोड़ा सा मेकअप कर लो ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ ना वीडियो बनाने लगा सर में अजीब लगने लगता है ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो आज हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने तो आज हम लोग खाने में बनाएंगे पनीर नूडल्स। चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग डालने वाले हैं इसमें कैप्सिकम और कैरेट और हम लोग थोड़ी सी पनीर लिए हैं, थोड़ी सी पनीर हम लोग डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा मतलब नूडल्स दो पैकेट लाए हैं और चलिए हम लोग इसको थोड़ा काटते हैं। काट ही नहीं रहा है को बॉईल करने। पहले हम लोग डालेंगे पानी थोड़ा सा और थोड़ा सा डालेंगे अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्या हुआ यार मुझे कुछ बात याद आ गई थी मैं इसलिए हम लोगों ने कढ़ाई रख दी हुई है गर्म होने के लिए। उसमें हम लोग अब डालेंगे थोड़ा सा तेल, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हम लोगों को पनीर फ्राई करनी है, इसीलिए हम लोग डालेंगे तेल। और तेल गर्म होने के बाद हम लोग डालेंगे अब पनीर फ्राई होने के लिए। पनीर को थोड़ा चलाएंगे करछुल से। हमारे इलाहाबाद में तो करछी को करछुल बोलते हैं और जगह हमको पता नहीं क्या बोलते हैं। हम लोग तो करछुल ही बोलते हैं सब कोई। हाँ हमारे यहाँ तो बहुत कुछ बोलते हैं। हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है, अब हम लोग इसको निकालेंगे प्लेट में। थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑयल ज़्यादा डाले थे ना, इसको थोड़ा सा ऑयल निकालेंगे क्योंकि ऑयल ज़्यादा है ना इसलिए। तो अब हम लोग पनीर को निकालने के बाद ऑयल थोड़ा दूसरी निकाल लेंगे दूसरी जगह पे और अब हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे
खुशबू डाल रही है प्याज और मैं कर रही हूँ फ्राई। अब हम लोग इसमें डालेंगे कैप्सिकम और कैरेट। अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी करेंगे ब्राउन, करेंगे थोड़ा सा इसको भी, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, और ताकि ये कच्चा थोड़ा थोड़ा रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा ही मतलब पक जाता है तो गंदा लगता है, अच्छा नहीं आता टेस्ट उसका, थोड़ा थोड़ा कच्चा होना चाहिए। इसे हम लोग अब इसमें डाल लें। अब थोड़ी सी हम लोग की कैप्सिकम कैरेट हो गई है तैयार, तो अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं मसाले, डालने वाले हैं हम लोग इसमें। चलिए डालते हैं हम लोग इसमें मसाले, थोड़ा सा मसाले डाल के हम लोग इसको चलाएंगे, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा और, ताकि हमारा मसाला पक जाए। अब हम लोग इसमें डालेंगे पनीर फ्राई की हुई। अब पनीर को थोड़ा सा हम लोग मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा मुलायम होने देंगे, क्योंकि पनीर हमारी फ्राई हुई है ना इसीलिए, तो हम लोग इसको थोड़ी देर मुलायम होने देंगे। अब हम लोग डालेंगे इसमें चाउमीन। खुशबू डाल रही है, मैं चला रही हूँ, और अब खुशबू चला रही है। वैसे तो हम लोगों ने नूडल्स को चलाने के लिए क्या क्या यूज़ किया, चिमटे का यूज़ किया, करछुल का यूज़ किया, और आपको पता है चम्मच का भी यूज़ किया। हम लोगों ने तीन तीन चीज़ें यूज़ की हुई हैं इसमें चलाने के लिए, ताकि हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर सकें, क्योंकि जब अच्छे से मिक्स नहीं हुआ रहता तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, एकदम इसको मिक्स कर लें, और अच्छी आती है उसके बाद चाउमीन, क्योंकि कम मिक्स हुई रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा और हम लोग इसको पकाएंगे। अब हमारी चाउमीन बनकर रेडी हो रही है। देखिए गाइस, हम लोग की पनीर नूडल्स हो गई है रेडी। चलिए अब हम लोग इसकी प्लेटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। कैसी बनी है क्या जी बताओ? अच्छी है। देखिए गाइस, आप लोग के लिए भी देखिए कैसे बनी है, अच्छी लग रही है ना, टेस्टी लग रही है। चलिए आप खा के दिखाते हैं कैसी बनी हुई है। लोग खाना खा लिए हैं, और खाना खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगता है। बनी थी आज, हाँ अच्छी थी, और खा के बहुत अब ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। सच्ची में खाना खाने के बाद हमेशा नींद आने लगती है, लेकिन सोना नहीं चाहिए खाना खाने के बाद। सोएंगे नहीं, आज सोच रहे हैं हम अपने दोस्तों से बात कर लें, थोड़ी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। अच्छा लगता है ना आप लोगों से बात करना। हम लोगों को अब ऐसा लगता है सारा दिन हम लोग बस कैमरा उठा और आप लोगों से बात करते हैं ना, अच्छा लगता है। अब क्योंकि अब ऐसा लगता है ना यूट्यूब पे हमारी छोटी सी फैमिली है जो हम लोगों को देखती है, और आप लोग चाहेंगे तो थोड़ी तो ही बड़ी भी हो सकती है, अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट करेंगे तो बड़ी भी हो जाएगी बहुत जल्दी ही। और हाँ, आप लोग हम लोग की वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार अच्छे से देते रहिए, और हम लोग भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे, ताकि आप भी खुश रहें और हम लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप लोगों से बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी थोड़ी हम लोग की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए हम लोग अभी भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे हैं, बट टाइम भी थोड़ा सा मतलब कि अभी नहीं मिलता है उतना,
और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, मतलब कि होने वाले हैं अभी, तो थोड़ी स्टडी भी कितने हम लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी मिलता है। पर जितना भी हम लोग को टाइम मिलता है ना, उतना आप लोग के लिए निकालते हैं और आप लोगों को अच्छा अच्छा ब्लॉग देने की कोशिश करते हैं और आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है ना। और हमारी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट कर दिया करिए। हाँ, हम लोगों को अच्छा, मतलब हम लोग कॉमेंट पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ना वो करा करिए कमेंट, तो हम लोगों को बहुत अच्छा मिल है, वो अच्छा लगता है देख के, हिम्मत मिलती है, ये लगता है ना कि हमको, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। और जो दी मतलब हम लोग के जो वीडियो में कोई दिक्कत रह कर या कमी रह कर, आप लोग प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करके बताया करिए, हम लोग उस चीज़ को हम लोग सुधार करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग खुश रहें हमेशा, आप लोग खुश रहेंगे तो। क्योंकि अभी हम लोग की नई नई स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, अब उतना पता नहीं था, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट करे हैं हम लोग, पहले नहीं शूट करते थे, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं वीडियो शूट करना। हम लोगों का बहुत ही सपना था यूट्यूब पे सच आने का, तो हम लोग हमेशा से 2-3 महीने से सोच रहे थे चलने, 2-3 महीने मैं तो बहुत सालों से सोच रही, हमेशा से सोचते रहे। मैं स्कूल में थी ना, तो मैं उस टाइम से सोच रही मैं यूट्यूब पे आऊँगी, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, बट फिर स्टडी आ गई बीच में, फिर टाइम नहीं मिलता था, तो आप सोचे आप सोचते रहेंगे तो कभी पूरा नहीं होता, सोचते सोचते इतना टाइम निकल गया, फिर हम लोग सोचे आज बना ही लेते हैं, अब से बना ही लेते हैं, जो स्टार्ट कर दो तो फिर वो हो ही जाता है। हाँ, जो काम हमको कल करना था ऐसे चार से शुरू कर दे तो हो जाता है, तो जब से हम लोग स्टार्ट कर दिए अब तब से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अब अच्छा लगता है। पहले सोचते थे कि क्या करेंगे, क्या सोचते थे ना, ये सोचते थे कि यार क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सबको अच्छे लगे कि नहीं हम लोग की वीडियो क्या कर रही हो, तो ये नाक बह रही है इसकी, गाइस इसकी नाक बह रही है, ये सुबह सुबह टोटो मुझसे दूर होने दे, मेरे को भी सर्दी हो जाएगी। सर्दी नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, जब सर्दी हो गई है थोड़ी थोड़ी मेरे भी होने लगी है, नेहा को पकड़ी थी सर्दी, पहले नेहा को हुई थी, फिर मुझे हुई थी, अब होगी अंतिमा को, अब तीनों को जब तक होगी नहीं ना किसी की सही नहीं होगी। हम तीनों साथ ही में सोते हैं ना, इसीलिए हम लोग को तीनों की सर्दी, अब बस मैं ही बची हूँ, बस मेरे ना हो तो मुझसे दूर ही रहना, नहीं से हम दूर हो जाएंगे, घर से बाहर ही निकाल फेंकेंगे, इतनी दूर नहीं फेंकेंगे। नहीं, आजकल थोड़ा मौसम भी ना, थोड़ा गर्मी भी रहता है ना, कहीं बाहर चले जाओ ना तो उसके बाद वो हो जाती, सर्दी हो जाती है, घर में बैठे बैठे ही सर्दी हो जाती है, वही समझ में नहीं, मतलब सर्दी नहीं होती, घर में बैठे बैठे ही तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाते, कहीं बाहर भी नहीं जाते, वायरस सही बात, सही नहीं होगा तब दवा लेंगे, बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब नाक में अजीब से लगता है ना, और आजकल अच्छा भी नहीं लगता है घर में एकदम पड़े पड़े अजीब से, ऊपर से बाहर जाओ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता, इसीलिए हम लोग घर पे ही रहते हैं, इसीलिए आप लोग सोचते होंगे कहीं बाहर नहीं जाते हम लोग, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा धूप है, इसीलिए हम लोग अभी जा ही नहीं रहे हैं कहीं, जाएंगे अभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे हम लोग बाहर, इसी दिन आप लोगों को बाहर कभी भी दिखाएंगे। अभी हो रहे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोगों का आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और हम लोगों का पेट भर चुका है, तुम अपना नाक थोड़ी साइड में रखो नहीं तो मेरे को भी सर्दी हो जाएगी, तुम गेट के बाहर छोड़ के आ जाओ, नाक उठा के अपना गेट के बाहर छोड़ाते तभी से इसको सर्दी नहीं होगी ना, मेरे भी हो जाएगी तो हम भी ऐसे ही पड़े रहेंगे फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मत करो, एक दिन आएगा कि मेरी सर्दी सही हो जाएगी, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ यार, नहीं नहीं मेरे को भी फैल जाएगी ना, जैसे नेहा से नया कोई थी इसका फैल गई, इसके फैली है तो अब मुझे भी फैल जाएगी, सही हो जाएगी, सर्दी हुआ है तो कोई वो इतना बड़ा बीमारी नहीं कि हाँ हो जाऊंगी, चलो चलो ठीक हो जाओ, मैं भी चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ, सारा दिन बीमार मत बैठी रहो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब इसकी तबीयत खराब हो जाती है, चलो मुझे भी सच्ची में चलता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब बोलने थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी, सब्सक्राइब निकल आता है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।